हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम पढ़ेंगे बाइजेंटाइन कला, जिसका टाइम पीरियड है 330 से लेके 453 ईस्वी। अगर हम इसको शताब्दी में देखें तो चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि एग्जाम में शताब्दी और सन दोनों में से कुछ भी पीछे पूछा जा सकता है। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने ईसाई कला पढ़ी थी। ईसाई कला को जब राजस्व मिला तो आगे जाके वो बाइजेंटाइन कला हो गई। 1313 ईस्वी में ईसाई कला को राजश्रय मिल गया था, तो उसके बाद इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसे चेक जरूर कीजिए। और आप बोल रहे हैं कि एलटी की तैयारी, ये एलटी के सिलेबस के अंदर ही आता है। आप नीचे सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, न्यू सिलेबस का लिंक, आप उसको जाइए चेक करिए और देखिए कि ये टॉपिक वहाँ पर है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी बाइजेंटाइन, ठीक है। बाइजेंटाइन के नाम से ही इस कला का नाम बाइजेंटाइन पड़ा था, और इसे पूर्वी कला शैली भी कहते हैं। यहाँ पे एक राजा थे कॉन्स्टेंटाइन, जिनका टाइम पीरियड था 274 से 337 ईस्वी तक। ये 306 पे गद्दी पे बैठे। एक शहर था कॉन्स्टेंटिनोपोलो, तो उसी शहर का नाम कॉन्स्टेंटाइन ने बदल के रख दिया बाइजेंटाइन। तो इसी शहर के नाम से बाइजेंटाइन नाम पड़ा, और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी इसको बनाई गई। और वर्तमान में यह शहर है तुर्की देश में के इस्तांबुल नगर में। और कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया था 313 में, यानी कि जो ईसाई धर्म था उसको यहाँ पर राजश्रय मिल गया। राजकीय धर्म बनने के बाद यहाँ पे बाइजेंटाइन में क्या हुआ, ईसाई धर्म एवं कला का प्रमुख केंद्र बन गया, और इसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया। अच्छी अच्छी इमारतें बनने लग गई, मणिकुट्टम के कार्य भी चर्चों पे भवनों पे बनने लगे, पांडुलिपियाँ आदि बनने लगी। बल्कि इस समय कलांगा केंद्र बाइजेंटाइन था, इसलिए यहाँ पे बाइजेंटाइन कला के नाम से इसको जाना गया। और यहाँ पे फिर सेकेंड राजा आते हैं जस्टिनियम। जस्टिनियम का टाइम पीरियड था 527 से लेके 565 तक। और जस्टिनियम के काल को ही बाइजेंटाइन कला का स्वर्ण काल भी कहा गया है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बिना थ्योरी को पढ़े आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लगभग 12 मिनट वीडियो को फॉरवर्ड करिए, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि बाइजेंटाइन का टॉपिक आपको क्लियर हुआ या नहीं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए और आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जस्टिनियम जो राज्य था उसका एक प्रमुख केंद्र था कॉन्स्टेंटिनोपोलो। और जस्टिनियम के शासनकाल में इटली के रेवेन्या के सॉन बाइटल गिरजाघर का निर्माण हुआ था। इसका टाइम पीरियड ये बना था 526 से 547 के मध्य में, और ये अष्टभुजी गुंबद था, और इसमें मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति दिखती है। पीले रंग का प्रयोग किया गया है। पीला रंग जो था बाइजेंटाइन कला में स्वर्ग का प्रतीक माना जाता था। फिर आते हैं तृतीय राजा लियो तृतीय। इनका टाइम पीरियड था 675 से 741 ईस्वी तक। और बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोध प्रवृत्ति इसी के समय पे चली थी, इनके समय तक चली थी। आकृति विरोधी प्रवृत्ति के कारण बाइजेंटाइन कला को आकृति विरोधी कला भी कहा जाता है। और जो लियो थे उन्होंने कुस्तुनिया जो बाइजेंटाइन है वहाँ के राजमहल के द्वार पर एक ईसा की प्रतिमा लगी थी, उन्होंने उसको हटा के वहाँ पर क्रॉस लगा दिया। उनका ये मानना था कि ईसा की ऐसी प्रतिमा वो नहीं देख सकते, ना तो जो बोल सकती है और ना ही श्वास ले सकती है, इसलिए इसके जगह पे उन्होंने प्रतिमा के जगह पे उन्होंने क्रॉस खड़ा कर दिया। फिर बाद में थियोसिफिकल की पत्नी थी थियोडोरा, उन्होंने क्या किया, पुनः उस वहाँ पे वो प्रतिमा लगा दी, जिससे फिर क्या हुआ, बाद में आकृति चित्रण काल इनके टाइम से शुरू हो गया। और जो ये थियोडोरा थी वो माइकल तृतीय की माता का नाम था। और बाइजेंटाइन की सबसे दूसरी बड़ी इमारत है
हेगिया सोफिया गिरजाघर, जिसका निर्माण हुआ था 537 ईसा में, जो कि इस्तांबुल जो कि आधुनिक तुर्की में है। और फिर सेंट बसील का गिरजाघर वो है मॉस्को रूस में। बाइजेंटाइन कला की एक विशेषता क्या है? मौजिक भित्ति चित्र मणिकुट्टिम। बाइजेंटाइन काल में छतों और दीवारों पे मणिकुट्टिम विधि से अलंकरण किया जाता था। एवं आगे जाके बाइजेंटाइन कला थी कई रूपों में इसका विकास हुआ, यानी कि इसकी विशेषता के रूप में हम इसे जानते हैं। पहला तो इसकी संरचना, भवन की वास्तु एवं निर्माण। भवन की वास्तु एवं निर्माण यहाँ पे दो दो प्रकार से होते थे, एक तो ईंटों से और दूसरा पत्थर से। बेसिलिका, बेसिलिका जो था सीधे मेहराबों के चाप से जुड़े रहते थे। दूसरा है केंद्रीय भवन। केंद्रीय भवन गुंबद को संभालने के लिए इसमें गोलाई के स्तंभ खड़े किए जाते थे, और गुंबद युक्त बेसिलिका भी यहाँ पे बनती थी, जिसमें लदावदार छत का निर्माण किया जाता था और बाद में गुंबद के रूप में इसे बनाया जाता था। और क्रॉस आकार का भूविन्यास, यानी कि बेसिलिका में एक से अधिक गुंबद बनाए जाने लगे और उसके पश्चात भवन को क्रॉस के प्रतीक के रूप में दिशाओं में उसका विन्यास किया जाता था, यानी कि जो चर्च होते थे वो क्रॉस के आकार के बनाए जाते। दूसरा है मूर्ति शिल्प। इसका टाइम पीरियड 11वीं से 12वीं सदी तक माना जाता है। ईसाई मूर्ति कला का इसमें बहुत प्रचार प्रसार हुआ और पत्थर का बहुत कम प्रयोग हुआ। व्यक्ति प्रतिमाएं 6वीं सदी तक बनी और रोमन पद्धति से ये बनती थी। 4वीं सदी तक आकृतियां हेलेनिटिक शैली की बनती थी। इसमें क्या होते थे, बड़े सिर, फटी फटी आंखें, भौड़े अनुपात, इस तरीके का मूर्ति शिल्प बनाया जाता था। और कूफी लिपि से अलंकारिता अभिप्राय के रूप में शिलाओं में हाशियों में उत्कीर्ण किया जाता था। और इसका उदाहरण एथेंस की चर्च की दीवारों पे मिलता है, जिसे लिटिल मेट्रोपोलिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रण। कुस्तुनिया से आरंभ होकर यह यूनान, रोन, कंबोडिया, मकदूनिया और बुल्गेरिया तथा माउंट एथोन्स के उपासना ग्रहों में भी महत्वपूर्ण भित्ति चित्रों का अंकन किया गया। और हेलेनिटिक तत्वों के साथ मिलकर इन प्रभावों ने ईसाई चित्रकला का विकास हुआ। और फिर आता है मौजिक भित्ति चित्रण की मणिकुट्टिम। मणिकुट्टिम के सबसे पुराने उदाहरण हमें रोमन शैली के पोम्पई नगर में छोटे छोटे अलंकरणों में मिलते हैं। इसमें रंगीन संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया था और बाद में रंगीन शीशे का प्रयोग किया गया था गॉथिक में। कास्ट तल पर मोम की पतली सतह में इन रंगीन पत्थरों तथा शीशे के टुकड़ों को जमाकर चित्र बनाए जाते थे। और बाइजेंटाइन कला जो है मूलतः धार्मिक तत्वों को लेकर ही इसे आगे बढ़ी, यानी कि मणिकुट्टिम विधि से धार्मिक चित्र बनाए गए। मौजिक चित्रों को ही बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता कहा जाता है। इस समय पे चार तरीकों से चित्र बनाए जाते थे। पहले तो चार प्रमुख तकनीक किसे चित्र बनाए जाते थे। पहले तो लकड़ी के छोटे पटरों पर संतों आदि की आकृतियां मोम से बनाई जाती थी और खाल की पांडुलिपियों पर लघु चित्र अंकित किए गए। इनमें से छोटे चित्र प्रथम तकनीक से बनते थे और बड़े चित्र भित्ति चित्रों से प्रेरित होते थे। भित्ति चित्र पर बनने वाले मणिकुट्टम चित्र एवं चौथा है फ्रेस्को चित्र। मणिकुट्टम की शैली में फ्रेस्को जैसी लोच अथवा मोम चित्र जैसी बारीकी नहीं आ सकती थी तथा 14वीं सदी तक ईसाई भित्ति चित्र कला के उदाहरण हमें बल्गेरिया और रोमानिया आदि में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पांचवा है पुस्तक चित्रण। इसमें बुक एल्यूमिनेशन में धार्मिक मतलब ईसाई धर्म से रिलेटेड पांडुलिपियों में संतों और ईसा से संबंधित चित्र बनाए जाते थे और कहीं कहीं पे केवल हाशिए बना के बेल बूटे अलंकृत कर दिए जाते थे किताबों पर। और इस समय पे कारोलिजियन पुस्तक चित्रण के साथ साथ भित्ति चित्रण और मणिकुट्टम में रोमन आदि पश्चिमी बाइजेंटाइन और फारसी आदि पूर्वी प्रभावों का सम्मिश्रण चलता रहा। उसके बाद छठा है पैनल चित्र। पूजा गृह की वेदिका पर रखने हेतु लकड़ी के फलकों पर चित्रांकन किया जाता था और ये चित्र बड़े आकारों के भी बनते थे। इसमें द्विफलक बहुफलक चित्र भी बनाए जाते थे।
जिसमें दो अथवा तीन कई फलक आपस में जुड़े रहते थे, जिसको क्या करते हैं हम पुस्तक की तरह खोल के और बंद करके देख भी सकते थे। और कुस्तुनिया में बना ओवर लेडी ऑफ व्लादिमीर नामक कुमारी तथा शिशु का जो चित्र है वो पैनल चित्र है, जो कि 12वीं सदी का बना हुआ है, जो मास्को संग्रहालय में है। एवं यहाँ पे छाया एवं प्रकाश का लयपूर्ण संयोजन भी इसका इसका एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है एथेंस में सुरक्षित देवदूतों का सम्मेलन नामक एक चित्र में, जिसके जिसमें एक आर्टिस्ट का नाम होता है माइकल डेमास्केन का नाम इस काम के लिए फेमस था, प्रकाश एवं छाया के गुण को दिखाने के लिए। और क्रीटन शैली का वास्तव में और जो क्रीटन शैली थी वो पैनल चित्रों के लिए जानी जाती थी। सातवें लघु चित्र, छोटे आकार के फलकों पर घरेलू पूजा या फिर छोटे स्थानों पर बने पूजा गृहों में रखने हेतु यहाँ पे कास्ट फलकों पर छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, और हाथी के दांत पर भी द्विफलक त्रिफलक आकृतियों का निर्माण किया जाता था। कुस्तुनिया के अतिरिक्त यहाँ पे इटली, मिलान एवं सिकंदरिया में इसका इस प्रकार के चित्र बने। और आठवें नंबर पर अन्य चित्र, वस्तु तथा पर्दों, टेपेस्ट्री, दर्पण पृष्ठ तथा दैनिक उपयोग के अन्य उपकरणों पर भी आदि धार्मिक आकृतियां अथवा प्रतीक रूप से चिन्ह चित्र बनाए जाते थे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के पेंजेंटाइन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मणिकुट्टम क्या है? छोटे रंगीन पत्थरों से जड़ित चित्र, छोटे लकड़ी के टुकड़ों से जड़ित चित्र, छोटे रंगीन कांच से जड़ित चित्र हैं उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सी, मणिकुट्टम छोटे रंगीन कांच से जड़ित चित्र है। पूजा गृह की भित्तियों पर कांच पर छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर रचना की जाती थी, जिसमें खिड़कियां, दरवाजे से धूप आती थी एवं वातावरण की सृष्टि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो मणिकुट्टम के पुराने उदाहरण मिलते हैं पोम्पई में। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि से ज़्यादा टाइम लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, बेंजेंटाइन मणिकुट्टम चित्रों के तीन युग महत्वपूर्ण, तीसरा युग किस सदी का है? तो इसका आंसर है पहला युग 4वीं से 7वीं सदी का है, दूसरा युग 9वीं से 12वीं सदी तक, और तीसरा युग 13वीं से 14वीं सदी तक। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनिया के सेंट मैरी चर्च में बाइजेंटाइन मणिकुट्टम के किस युग की कृतियां देखने को मिलती हैं? तो इसका आंसर है ए, तृतीय युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं तथा 6वीं सदी की ईसाई कलाम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर आंसर नंबर बी, रेवन्या के चर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकुट्टम कला की चरम उन्नति कहाँ दिखाई देती है? तो इसका आंसर है ए, रेवन्या के सॉन वॉल्टेन नामक अष्टभुजी बाइजेंटाइन भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला के मुख्यतः कितनी तकनीक आरंभ हुई? तो ये मैंने टॉपिक्स में आपको बताया, तो इसमें आंसर नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में कास्ट तल पर मोम की पतली सतह में रंगीन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जमा कर बनाए जाते थे, कौन से चित्र बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे लघु आकार के चित्र, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। मणिकुट्टम से मोजाइक भी कहते हैं, ये कास्ट तल पर मोम की पतली सतह पर रंगीन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके बनाए जाते थे, और ये बहुत ही नाजुक होते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी संकट का युग रहा, तो यह युग लगभग कितने वर्षों तक चला? तो इसका आंसर है सी, 100 वर्षों तक। और किसके काल से यह प्रारंभ हुआ था? ये लियो तृतीय के काल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, बेंजेंटाइन कला में आकृति विरोधी संकट के युग का आरंभ किसके समय से हुआ था? तो इसका आंसर है ए, लियो तृतीय। अब नेक्स्ट है, आकृति विरोधी संकट के युग के पश्चात ईसाई कला में कितने प्रकार की आकृतियां बनी? तो इसका आंसर है दो प्रकार की आकृतियां चित्रित हुई, यानी कि सी। प्रथम प्रकार में सम्राटों को ईश्वर की सीधी वंश परंपरा में दिखाई जाने लगा, और दूसरा
दूसरे प्रकार में धार्मिक चित्र पुरानी पद्धतियों पर ही बनने आरंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन पैनल चित्रों का आरंभ किस सदी से हुआ था? तो इसका आंसर है बी, 5वीं से 6ठी सदी। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला किन रूपों में विकसित हुई? तो इसका आंसर है डी, लगभग इन सभी रूपों में विकसित हुई थी। मणिकुट्टम चित्र हुए थे, भित्ति चित्र, पुस्तक चित्र एवं पैनल चित्र, लघु चित्र और अन्य प्रकार के चित्र भी इसमें बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? तो इसका आंसर है ए, मणिकुट्टम। एक कला संबंधित है, इसका आंसर क्या है, बाइजेंटाइन कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है? तो इसका आंसर है सी, स्वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? तो बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है, मोज़ेक चित्र, जो आपको थ्योरी में भी मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, मोज़ेक भित्ति चित्र। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किस सम्राट का है? तो यह है जस्टिनियन। नेक्स्ट है, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, सोन विताले गिरजाघर में। नेक्स्ट है, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती? तो इसका आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह है हंगिया सोफिया गिरजाघर। तो ये थे बाइजेंटाइन कला के टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। मेरे साथ वीडियो के एंड बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।